बुलेटिन दा आगाज़ करदे हां इस वेले दी अहम खबर दे नाल। 15 अगस्त तो पहला एक वड्डी साजिश रची गई जिस नूं नाकाम करता गया। दिल्ली दे विच 2000 जिंदा कारतूस बरामद होए ने। दस दईए कि 15 अगस्त तो पहला लगातार जिहड़ी सिक्योरिटी वधाई जांदी है, सख्ती की जाती है, क्योंकि कोशिशां लगातार होंदियां ने किसी ना किसी तरह की घटना नूं अंजाम देण लई। ते हुण दस दईए कि जिही कोशिश नूं नाकाम किया गया। दिल्ली विच 2000 जिंदा कारतूस बरामद होए ने। आनंद विहार इलाके तो 2 बैगां दे नाल सप्लायर नूं भी काबू किया गया। पुलिस ने 6 मुलजमान नूं भी इस मौके ते गिरफ्तार किया। सो एक वड्डी कामयाबी मिली है जिस नाल जिंदा कारतूस बरामद होए ने। 15 अगस्त तो पहला, आजादी दिहाड़े तो पहला लगातार दिल्ली दे विच खास तौर ते सुरक्षा वधाई जाती है, क्योंकि जो शरारती अंसर ने, अपराधिक अंसर ने, उन्होंने वालों कोशिशा होंदिया ने, अजिही कोशिश नूं नाकाम किया गया। 2000 जिंदा कारतूस जिहड़े ने बरामद होए ने। आनंद विहार इलाके तो 2 बैगां दे नाल सप्लायर नूं जिथे काबू किया गया, उत्थे ही पुलिस ने 6 मुलजमान नूं भी गिरफ्तार किया। तस्वीर तुसीं वेख रहे हो उन्हां जिंदा कारतूसां दी जो बरामद होए ने। इस तों इलावा दस दईए कि आनंद विहार इलाके तो 2 बैगां नाल सप्लायर नूं भी काबू किया गया, ते 6 मुलजमान नूं भी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हां तों पुछगिछ अगे की जाएगी। लेकिन एक वड्डी कामयाबी दिल्ली पुलिस नूं मिली है जिस नाल इह बरामदगी होई है। 2000 जिंदा कारतूस बरामद होए ने। उत्थे ही तो तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो ना 6 मुलजमां दियां जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान हमने एक लाइव एम्यूनिशन का लार्ज कंसाइनमेंट पकड़ा है। 6 तारीख को सुबह हमारे आईज एंड ईयर स्कीम के तहत हमें इनपुट मिला था एक ऑटो ड्राइवर से, जिसने बताया कि 2 लड़कों को उसने स्पॉट किया है आनंद विहार बस अड्डे के पास, जिनके पास 2 बैग्स में काफ़ी कुछ हैवी बैग्स हैं और उसको वो कैरी कर रहे हैं। इमीडिएटली हमारे जो MPV स्टाफ था, हेड कांस्टेबल विक्रांत और कांस्टेबल रोहित, उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और इन दोनों लड़कों को इंटरसेप्ट करके चेकिंग की, तो पता चला कि उनके 2 बैग्स में बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी संख्या के अंदर लाइव एम्यूनिशन था। उसको फर्दर वेरीफाई किया तो ये सारा हाई कैलिबर एम्यूनिशन है, विच इज़ यूज जो राइफल्स के अंदर यूज़ हो सकता है और पिस्टल्स और देसी कट्टों में भी यूज़ होता है, कुछ अलग अलग टाइप का एम्यूनिशन था। इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए हमने मल्टीपल टीम्स को अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा, जहाँ से जो भी इनपुट्स हमें मिल रहे थे उनकी इंटरोगेशन से, तो ये पता चला है कि एक गन हाउस से ये पिलफरेज हो रही थी। देहरादून बेस्ड एक गन हाउस है, उसके ओनर को, लाइसेंस्ड ओनर को भी हमने अरेस्ट किया है और ये बेसिकली आपस में एक गन हाउस से दूसरे गन हाउस के अंदर लाइसेंसेस के बेस पे ट्रांसफ़र करते हैं एम्यूनिशन को, और एक्चुअली ये सारा एम्यूनिशन जो है ये पिलफरेज होके क्रिमिनल्स तक पहुँचाया जाता है।